Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit it just like a drug. This time I won't let you in. Look at this. Oh my god, guys. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। होप आप सब बढ़िया होगे। मैं भी हूँ एकदम से बढ़िया, और आज आप लोगों के लिए कर आई हूँ मैं एक फिर से मीशो हील्स हॉल वीडियो। मतलब कि बहुत ही मज़ेदार मैंने हील्स मंगवाई है, वो तो देख के पता लगेगा कि ये कैसी है कैसी नहीं। और आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा जेन्युइन रिव्यू करती हूँ। सारी चीज़ें मैं इसलिए ऑर्डर करती हूँ क्योंकि काफ़ी ऑडियंस है जो मेरे को देखती है और काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ले सकती है, तो उनके लिए मैं टाइम निकाल के मीशो से ये सारी चीज़ें ऑर्डर करती हूँ। तो चलो सबसे पहले हम करेंगे ओपन ये वाला पार्सल। और काफ़ी ऑफिस जो गर्ल्स जाती है, और गर्मियों में यार आपको पता ही है कि हील्स पहनना मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये स्लीपर्स पहनना पसंद करते हो तो मैं स्लीपर्स पे लेकर आऊँगी, बट जो शूज़ होते हैं ना, मैं शूज़ नहीं पहन सकती हूँ गाइस, बिल्कुल भी नहीं। सर्दियों में तो चलो हमें पहननी एक मजबूरी हो जाती है, बट गर्मियों में तो मैं बिल्कुल भी शूज़ नहीं पहन सकती, बिल्कुल भी नहीं। एक दो हील मैंने ऐसी भी ऑर्डर करी है जिनको हम फंक्शन पे भी वेयर कर सकते हैं। इसको खोलना ना मुश्किल हो जाता है, जब नेल्स करवाए होते हैं ना फिर थोड़ा खोलना कल जा। बहुत ही मज़ेदार पैकिंग, इतना भी क्या सोना भर के दे दिया। ओ टन टन, डब्बा आप लोग देख सकते हो कि क्वालिटी मरी पड़ी है डब्बे की। तो अगर हम बात करें इस चप्पल की, तो क्वालिटी तो इसकी बहुत ज़्यादा फाइन लग रही है मेरे को, बट मेरे पैर थोड़े से ना हैवी हो गए, मोटे हो गए, स्वेलिंग आ जाती है मेरे पैरों में अक्सर, तो मेरे को लगता है कि मेरे पैर इसमें शायद ही फंसेंगे। देखने में लुक वाइज ये बहुत ज़्यादा प्रीटी है, बट ये आप लोग देख सकते हो इसको पीछे से, इससे मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ी स्लिपरी हो सकती है। अगर तो आपको ऐसा है कि कहीं जा रहे हो पार्टी में और वापस आ रहे हो, ज़्यादा चलना फिरना नहीं, फिर तो ये ओके है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्लिपरी हो सकती है। अगर ज़्यादा बार इसको पहनोगे तो ये फिसलने का डर रहेगा इसका। Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit it just like a drug. This time I won't let you in. Your blame. ओपन करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्सल। इसका प्राइस है 669 रुपीज़। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये सही है भी या नहीं, ये तो देख के ही पता लगेगा। डब्बे ना मरे पड़े हैं सीरियसली। ओ भाई डब्बे नहीं है गाइस, सही बिल्कुल भी डब्बे, पर चलो हमें तो मटेरियल से वो है मतलब। तो इसका मटेरियल, ओ माय गॉड, लुक एट दीज हील्स गाइस। ये जो इस पे वर्क किया गया है, सही बताऊँ तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप कहीं पे पार्टी में जा रहे हो, नाइट पार्टी स्पेशली, और आपने कोई शिमरी सी ड्रेस पहन रखी है, उसके साथ अगर आप ये वेयर करते हो ना, तो सही बताऊँ ना तो मस्त होने वाला है। हील्स का नंबर है, इसका है 38 नंबर, और मेरे को लगता है 36, बट 38 है और 4 साइज़ है, तो साइज़ तो इसका बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। और ये शिमरी शिमरी सा ना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो हाँ ये हील्स मेरे को बहुत अच्छी लगी। बट अगर हम बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है, क्योंकि इसका जो डब्बा है आपके सामने ही मैंने खोला है, वो फटा हुआ निकला। बट हील्स की बात करूँ ना, तो आप लोग देख सकते हो सीरियसली हील्स तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये वाली। प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी है, सेम वही बातें जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मार्केट जाओगे, पहले आपका जाने का किराया लगेगा, फिर वहाँ पे आप एक्सपेंसिव लोगे, इससे अच्छा कि घर बैठे बैठे आप ये इजीली मंगवा सकते हो। चलो ओपन करते हैं नेक्स्ट वन। चलो इसका प्राइस है 654 रुपीज़, यानी कि 650 रुपये। तो 650 में भाई हमें चीज़ क्या मिली है ये तो देख के पता लगेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मीशो पे बहुत सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं, बट ज़्यादा सस्ती जो होती है कई बार वो जल्दी टूट जाती है, और उसमें पैरों में दर्द भी होने लग जाता है। तो थोड़ा सा हल्के सा महंगा ले लो, महंगा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 1000-2000 का लो, बट 500-600 की रेंज में अच्छी चीज़ें आ जाती है कई बार। इसका डब्बा भाई सही आया है, आप देख सकते हो डब्बा तो सही है, बाकी अंदर का माल कैसा है ये देखते हैं। ओ वाओ, आप लोगों को पता होगा कि ब्लैक हील्स में कितनी ज़्यादा वेयर करती हूँ, और ब्लैक हील्स मेरे को बहुत पसंद है। और मैं सीरियसली बताऊँ गाइस, ऐसी हील्स ना मेरे पास ऑलरेडी 2 पेयर पड़े हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताती हूँ।
इसमें दी गई है हमें ये डोर जो कि हम अपने पैरों में राउंड 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 करके लगा सकते हैं, शॉर्ट्स के साथ हम इसको वेयर कर सकते हैं, और अगर आपकी हाइट मेरी तरह छोटी है तो आप इसको पहन के लगने वाले हो बहुत ही लंबे, तो ये तो मस्त है प्राइस के अकॉर्डिंग यार 650 में इतनी अच्छी चीज़। और हाँ मैं आपको बताती हूँ, शिमला में मैंने परचेज़ की थी सेम ऐसी हील्स मैरिज से पहले, तो वो ली थी मैंने 1000 रुपीज़ की, बट वो अभी तक चल रही है, अभी भी मैं उसको वेयर करती हूँ, काफ़ी अच्छी सेम है बट उसमें ये चीज़ नहीं है। तो सही बताऊँ तो 650 के हिसाब से घर बैठे बैठे मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और ब्लैक कलर तो ऐसे ही मेरा फेवरेट है और ब्लैक हर चीज़ के साथ चला जाता है, तो ये मुझे बहुत पसंद आई है। चलो तो नेक्स्ट ओपन करते हैं हम ये वाला पार्सल जो आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल भी पैकिंग सही नहीं आई है इस बार, मैं सही बताऊँ आप लोग ये देख सकते हो ऐसे ही डब्बे से बाहर आ गया है, ये देखो खोला भी नहीं, डब्बा खोला ही नहीं, फटा हुआ था, तो ये चीज़ बड़ी बेकार है मीशो की, कई बार इनकी पैकिंग अच्छी नहीं होती है। अब आई है वाइट कलर की हील्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सारे कलर ऐसे क्यों मंगवाए ब्लैक और वाइट, क्योंकि मेरे को ना ब्लैक और वाइट ही अच्छे लगते हैं और पहने हुए ना ब्लैक और वाइट ही अच्छे लगते हैं, तो ये भी सेम जैसे ब्लैक वाली थी राउंड राउंड करके इसको पहनने वाली वैसी ही है। अगर मैं बात करूँ इसके मटेरियल की तो गाइज सीरियसली इसका मटेरियल, इसकी क्वालिटी मेरे को इतनी फाइन नहीं लगी है टू बी ऑनेस्ट, और ये ट्रांसपेरेंट जो है ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इसको पहले भी बहुत ऐसी हील्स वेयर कर चुकी हूँ, अभी से बहुत साल पहले, 3 साल पहले मैंने ऐसी हील्स वेयर करके छोड़ दी है, बट मेरे को फिर भी ट्रांसपेरेंट चीज़ें अच्छी लगती है, तो मैंने ये ऑर्डर करी, और सेम ये भी zigzag करके ऐसे इसको आप बांध सकते हो, तो इसीलिए मेरे को ये फ़ोटो में काफ़ी अच्छी लगी थी, अट्रैक्टिव लगी थी, और मे बी ये 3 से 4 बार पहनने के बाद टूट सकती है। अगर हम लुक की बात करें तो लुक वाइज तो ये बहुत अच्छी लगेगी पहनने में, तो अगर आप मतलब कभी कभार पहनते हो हील्स और पार्टी में जाके जस्ट वापस आना है, चलना फिरना नहीं है, तो उसके लिए तो ये सही है। अगर आप डेली रूटीन के लिए सोच रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, फिर वेयर कर रहे हो, तो उसके लिए सही नहीं रहेगी ये। अभी हम ये वाला ओपन करने वाले हैं पार्सल। पार्सल ओपन करने में मुझे मज़ा आता है, पर जब ओपन नहीं होता ना फटाफट गुस्सा बहुत चढ़ता है। मेरे को ना एक सीजर मंगवानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है इसको ओपन करने के लिए। ओह क्या बात है भाई, अभी तक मैं बोल रही थी मीशो की पैकिंग अच्छी नहीं है, लुक एट द पैकेजिंग गाइस, इतनी पैकिंग करी है ना कि बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और मैं पता क्या करती हूँ, जब मैंने नेल्स करवाया था ये देखो, नेल्स के साथ मैं इसको कट कर लेती हूँ, नेल से अंदर मारा ही और कट हो जाता है, ये लो नेल्स का कुछ तो फ़ायदा उठाए। ओ भाई इतना इतना भी क्या महंगा सामान है इसमें, कई में तो ना यार क्या हो रहा है, कई बार तो मीशो आपने देखा ही, आपके सामने मैं पार्सल अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, कई पार्सल तो ऐसे है जिसको खोने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही हील्स बाहर निकल रही है, कई ऐसे है जिसमें इतना जोर और इतना दम लग रहा है, जैसे कि यही वाला पार्सल देख लो आप, डब्बे के अंदर डब्बा, भाई पैकेजिंग तो भाई क्या बात है, इतना अच्छे से पैकिंग, ओ माई गॉड गाइज लुक एट दीज हील्स। सो ये तो मैंने स्पेशली मंगवाई है पार्टी में जाने के लिए, किसी फंक्शन में जाने के लिए, और इस तरह जैसे मैंने अभी भी बोला है ना, वो मेरे को ट्रांसपेरेंट चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, चमक रहा है इसका डिज़ाइन, बट मैं सही बताऊँ तो ये ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर पानी गिर गया या कहीं ये अड़ गया तो ये मिनट नहीं लगेगा इसको उखड़ने में। और अगर मैं बात करूँ इसकी, ये आप देख सकते हो हील के नीचे वाला ये वाला पीस, ये इतना क्यूट लग रहा है मुझे देखने में, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, ये देखो ये स्लिपरी नहीं है, यहाँ से स्लिपरी है थोड़ा बहुत, बट फिर भी इसको वेयर कर सकते हैं, इतना मेरे को कोई ज़्यादा इस पर डाउट नहीं लग रहा, बट ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको टाइट है लूज़ है तो ये एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए पैकिंग इतनी अच्छी करके भेजी है क्योंकि इसमें अच्छी चीज़ थी। तो हाँ ये मेरे को काफ़ी पसंद आई ये वाली हील्स, टू बी ऑनेस्ट मेरे को सबसे अच्छी लगी, और मेरे को इसका बहुत वेट था कि ये हील्स कब आएगी। You broke my heart once again.
क्यों ऐसी पैकिंग करी? हे भगवान, अगेन डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा वाला सीन ही उन्होंने गलत कर दिया भाई। डब्बे में अगेन डब्बा, ये सेम जगह से आया मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं इसमें है क्या माल। कौन सी हील्स है? ओ भाई, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये हील्स मैंने पहले भी एक बार मीशो से मंगवाई थी और इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा फाइन निकली थी ना कि ये मैंने मतलब दोबारा मंगवा दी। और इसको मतलब पैरों में ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी उस टाइम मैंने ये मीशो से मंगवाई थी और मेरी ये 2 साल निकली थी, आप मानोगे गाइस, जबकि मैं डेली रूटीन में इसको कॉलेज के लिए लगा के जाती थी। तो अच्छा मतलब रिस्पॉन्स था मेरे को इसका और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन थी, तो उस बेस पर मैंने ये दोबारा ऑर्डर करी है। तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है। ब्लैक कलर हर चीज़ के साथ जा सकता है, इसको आप ड्रेस के साथ पहन सकते हो, सूट के साथ पहन सकते हो, जीन्स के साथ पहन सकते हो, इंडो वेस्टर्न वेस्टर्न सब चीज़ों के साथ ये जाने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। सेकेंड लास्ट पार्सल ओपन करने का, दिख नहीं रहा तो बंद करते हैं। ऐसी पैकिंग होनी चाहिए फटाफट से खुल जाए। है कि इसके अंदर क्या है? ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, कुछ अलग चीज़ भी मंगवाई है मैंने इस बार। ये मंगवाई है मैंने किसी इवेंट के लिए कि इसको हम इवेंट पे पहन सकते हैं। ओ माय गॉड, काफ़ी अच्छा है बट इसका फ्लावर ना थोड़ा सा उखड़ रहा है। बट लुक एट दी हील्स, सो प्रिटी, सीरियसली सो प्रिटी। मेरे पास एक ऐसी ड्रेस भी है पिंक कलर की, तो मैंने सोचा है कि मैं उसके साथ इसको वेयर करूँगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी अट्रैक्टिव सा लगेगा। और इसका जो टेक्सचर आप लोग देख सकते हो काफ़ी अट्रैक्टिव सा और काफ़ी अच्छा लगा है मेरे को। तो ये हील्स सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रिटी है। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी सो सो है, इतनी भी ज़्यादा वाओ भी नहीं है और इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, तो इसको हम पहन सकते हैं। बट मेरे को इसका जो डाउट है, मेरे को ये जो बो लगी है ऊपर, इसका डाउट है कि ये कहीं निकल ना जाए। लास्ट पार्सल, लग रहा है इसको खोलने में भी जान लगने वाली है पूरी। टेप पे इतनी ज़्यादा टेप फंसा रखी है। सो टन टन, क्या बात है, ये वाली हील्स वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये चीज़ देखो गाइस आप इसकी, ये काफ़ी यूनिक सा लग रहा है, जिसको पहनने के बाद काफ़ी यूनिक लगेगा। और आपने देखा होगा कि सारी मैक्सिमम सेम मंगवाई है, ट्रांसपेरेंट ही है क्योंकि मेरे को ऐसी अच्छी लगती है। ये देखो, वाओ, लुक एट दीज हील्स, सो प्रिटी। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो शिमरी शिमरी सा, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है गाइस। बट हाँ, अगर हम इसको जैसे अभी बरसात का मौसम है पानी के बीच पहनेंगे तो ये ना इसकी जैसे वेलवेट का कपड़ा लग रहा है ये, तो ये ख़राब होने के चांसेस है। तो आप इसको पानी में बिल्कुल भी ना पहने, अवॉइड करें। और बाकी ओवरऑल इसकी मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भी अच्छी है और लुक वाइज तो आप लोग देख ही सकते हो, कोई नहीं कह सकता कि आपने इतनी सस्ती हील पहनी है सीरियसली। तो मुझे तो ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो ये था मेरा आज का मीशो सैंडल यूज हॉल वीडियो। होप आप सभी को पसंद आया हो। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट हॉल वीडियो में आप लोगों के लिए शॉप्सी
या फिर अजियो का लेकर आऊँ। तो आप लोग बताओ कि किसका लेकर आऊँ। कॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि शॉपसी में भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे हमें चीज़ें मिल रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं शॉपसी का भी हॉल वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। किस पर लेकर आऊँ ये आप लोग मेरे को ज़रूर बता देना, क्योंकि मेरे को पढ़ के थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को कैसा मतलब देखना पसंद है, आप लोग कैसा टेस्ट चाहते हो, कौन सी चीज़ें चाहते हो। होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है ना तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि आपका कमेंट बनाता है मेरा दिन। तो प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।